Hello aspirant. So in today's class we are going to take the topic of social interaction, role, culture, status and socialization. इन सब का क्या रोल है, क्या क्या, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चीज़ें हैं इन सब से रिलेटेड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास में. तो अब क्या देखते हैं हम लोग, चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं, जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है सोशल इंटरेक्शन. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियोलॉजी. तो आप लोग क्या समझते हैं सोशल इंटरेक्शन से? व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन मतलब दो पीपल के बीच में कुछ बात होना, या एक पीपल, एक आदमी और बहुत सारे ग्रुप के लोग सुन रहे हैं, इनके बीच में कोई कन्वर्सेशन होना. कन्वर्सेशन जब होगा तब उसको बोलेंगे हम लोग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन. और जब दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में जब वो होगा तब उसको हम बोलेंगे सोशल इंटरेक्शन. तो व्हाट यू कैन से इज सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ इमोशन. आपके बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपका कुछ ना कुछ इमोशन होता है, या तो वो हार्ड इमोशन, एंग्री इमोशन, गुड इमोशन, टू कन्वे समथिंग टू अनदर पर्सनैलिटी. आप कुछ ना कुछ कन्वे ही करने की कोशिश कर रहे हैं आप किसी सामने वाले जिससे भी आप बात कर रहे हैं. तो दैट इज द इमोशन यू वॉन्ट टू ट्रांसफर टू हिज माइंड. आप उनको समझाना चाह रहे हैं, आप अपना जो बात है उनको बतानी चाह रहे हैं, वो इमोशन को उनको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं अपने अंदर के इमोशन को, बिटवीन टू और मोर पर्सन. कम से कम दो लोग तो लगेंगे तब तो इनके दिमाग में क्या है, इनके दिमाग में क्या है. दोनों एक दूसरे का इंटरेक्शन करेंगे और कन्वर्सेशन से एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे आइडियाज को, इमोशन को. दो, कम से कम दो लोग और दो से ज्यादा भी लग रहे हैं, दो से ज्यादा रहें तो भी इसमें इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन होगा. मोर पर्सन थ्रू क्या क्या चीजें से आप लोग बात करते हैं. आप लोग देखे होंगे जब जो छोटा बच्चा होता है 1 साल 2 साल का, वो भले बोलना नहीं जानता है बट विद द एक्शंस वो हाथ दिखाए किसी चीज़ को, आँख से, नज़रों से, रो के, बच्चे रो के बता देते हैं कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, हंस के, खेल के बता देते हैं कि अच्छा लग रहा है चीज़ें. तो आप बोल सकते हैं इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्सन थ्रू गेस्चर और लैंग्वेज. सिर्फ बातों से ही चीज़ें कन्वे नहीं की जाती, गेस्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बोलते हैं जब भी आप इंटरव्यू में जाए तो आपका गेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एंटर कैसे कर रहे हैं, आप सीट में बैठ रहे हैं, बोलने के बाद बैठ रहे हैं कि खुद से जाके बैठ जा रहे हैं, ये गेस्चर है. ये सारी चीज़ें एक सोशल इंटरेक्शन के अंदर आती है. जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मॉक इंटरव्यू में बताई जाएंगी. वेल ड्रेस्ड रहना, वेल ग्रूम्ड रहना, आपका स्माइल रहना चेहरे पर, ये सब गेस्चर है. स्माइल रहना, क्या स्माइल रहने से क्या आपको इंटरव्यू में नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे? नहीं. बट वो गेस्चर से हो सकता है सामने वाला आदमी खुश होके, वो गेस्चर आपको उनका अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, पॉजिटिव नोट में लगे, तो उससे आपका बेनिफिट हो सकता है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं, गेस्चर एंड लैंग्वेज. तो अच्छा, लैंग्वेज तो आप जानते हैं जो चीज़ें. चलिए अब सोशल इंटरेक्शन को और डीपली डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने कैसा बोला है. सोशल इंटरेक्शन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है. सोशल इंटरेक्शन का ही हम देखें तो वी कैन से कि सोशल इंटरेक्शन इज, व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन? मैन इंटरप्रिटेज द माइंड ऑफ ईच अदर. इसमें होता क्या है, देखिए इंटरेक्शन का मतलब दो लोग, मैं एकदम नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है. ये दो लोग, इनके दिमाग में क्या है और इनके दिमाग में क्या है, कुछ तो थॉट्स इन दोनों के दिमाग में होंगे. अब इनके थॉट्स थ्रू द इंटरेक्शन, गेस्चर और लैंग्वेज, इनके थॉट्स इनके दिमाग में जाएंगे और इनके थॉट्स इनके, क्योंकि कन्वर्सेशन होगा, इंटरेक्शन होगा. जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो दोनों इंटरपेनिट्रेट करेंगे एक दूसरे के थॉट्स को. एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हर आदमी के कुछ ना कुछ अलग अलग थॉट्स होते हैं, ठीक है. एक, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन के दो पहलू होते हैं, वैसे ही सबके हर एक पॉइंट के दो थॉट्स होते हैं. तो हो सकता है इनका थॉट और इनका थॉट अलग हो या सेम हो. तो ये दोनों थॉट जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मैन इंटरपेनिट्रेट द माइंड ऑफ ईच अदर. समझे आप? ईच अदर. ऑल्सो यू कैन से अगर इसका, अब ये तो सेम थॉट था तो ये इंटरपेनिट्रेट किया. अब हो सकता है इसका थॉट एक पर्टिकुलर ए का और ये बी है, मानिए ये जो बी का थॉट है वो ए के थॉट से बिल्कुल मैच नहीं करता, बट थ्रू द इंटरेक्शन, थ्रू द लैंग्वेज एंड गेस्चर ऑफ द ए, ये कन्विंस कर लेता है सामने वाले बंदे को अपने थॉट के लिए. तो यहाँ क्या बोल सकते हैं कि इन्फ्लुएंस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अदर. तो इसने इन्फ्लुएंस किया ना बी को, तो यही है इन्फ्लुएंस स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अदर.
और चलो ये दो चीजें हमने देख लिया, हम देखते हैं क्या क्या हम लोग एलिमेंट क्या है, एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एलिमेंट क्या है, टू और टू से मोर पीपल होने चाहिए, मैंने पहले बताया टू और मोर देन टू पीपल, टू पर्सन, ठीक है, ये कम से कम ये एलिमेंट है इनका, ठीक है ना, ये चीजें होनी चाहिए सोशल इंटरेक्शन के लिए। सेकंड इज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, मैंने बताया ना दो लोग इंटरेक्ट करेंगे, सब एक तरफ से चलेगा तब बातें नहीं होंगी, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड ऑल्सो द थर्ड वन इज इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंट बिहेवियर ऑफ पर्सन, इन्फ्लुएंस ऑन द इवेंट बिहेवियर एंड बिहेवियर। ऑल्सो लेट्स टेक दिस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्म्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशल इंटरेक्शन, सॉरी सोशल इंटरेक्शन। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, टू और मोर जो हमने बात करे, जैसे दो और दो से ज्यादा, तो दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, टू और मोर, बिटवीन टू पीपल कहीं आप देखेंगे फॉर्म, जैसे बोल सकते हैं डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में जो होता है ये दो लोगों के बीच का इंटरेक्शन है, मदर एंड चाइल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल्स, ठीक है। सेकेंड हमको पता है किस टाइप का इंटरेक्शन, पर्सन टू ग्रुप, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, पॉलिटिशियन एक मंच से बात कर रहे हैं, एक पोडियम से बात कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे सामने खड़े हैं, तो दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन टू ग्रुप इंटरेक्शन। और अ टीचर इन अ क्लास व्हेन अ टीचर एंटर्स देयर आर मेनी स्टूडेंट इन द क्लास सिटिंग, सो टीचर विल इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ पर्सन टू ग्रुप इंटरेक्शन, एंड द थर्ड वन इज ग्रुप टू ग्रुप। इस टाइप का क्या होता है एग्जाम्पल, ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन इज लाइक कोई दो टीम है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की टीम खेल रही है क्रिकेट, तो ये जो है ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन है, दे आर इंटरेक्टिंग इन द वे ऑफ गेस्चर, एक गेस्चर है ना, वॉर का गेस्चर है, गेम को जीतने का गेस्चर है, तो वो गेस्चर के थ्रू आप देख रहे हैं ग्रुप टू ग्रुप फॉर्म ऑफ सोशल इंटरेक्शन। चलिए नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के टाइप्स क्या है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यू शुड नो दैट, फर्स्ट वन इज द फिजिकल और डायरेक्ट इंटरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्ट इंटरेक्शन, एंड द सेकेंड वन इज सिम्बॉलिक। वॉट इज फिजिकल इंटरेक्शन, देखिए फिजिकल इंटरेक्शन इज नथिंग बट फिजिकल एक्शन जब आप करेंगे, जैसे कि आप किसी को मारेंगे, बीटिंग, पुलिंग, पुशिंग, दिस आर ऑल फिजिकल इंटरेक्शन और डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑल्सो द गेस्चर ऑफ किसिंग, ये सारे के सारे आप किस में आते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन में। अब सिम्बॉलिक इंटरेक्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन थ्रू कॉमन लैंग्वेज, जैसे मेरे को हिंदी आ रही है, मेरे को इंग्लिश आ रही है और मैं सामने वाले को भी इंग्लिश आ रही है, तब आप इंग्लिश में उनसे, सामने वाले को इंग्लिश आ रही है, आपको हिंदी आ रही है, दोनों को लैंग्वेज तो आ रहा है, बट यहाँ ना सामने वाला आपकी बात समझने वाला है ना आप उनकी बात, जब ये कॉमन कम्युनिकेशन थ्रू कॉमन लैंग्वेज होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिम्बॉलिक इंटरेक्शन, या फिर अब आपको हिंदी आ रही है, उनको इंग्लिश आ रही है, गेस्चर से करेंगे आप, तब इसको बोला जाएगा। तो क्या, कम्युनिकेशन थ्रू कॉमन लैंग्वेज एंड गेस्चर, ठीक है। तो हमारा सोशल इंटरेक्शन का टॉपिक खत्म होता है यहां पे, लेट्स मूव टुवर्ड द सेकेंड टॉपिक ऑफ टुडे, आज ज्यादा स्पीडली क्लास करेंगे क्योंकि बहुत सारे 5 टॉपिक हमको करने हैं, स्टेटस, रोल ऑफ स्टेटस, ठीक है, स्टेटस का क्या रोल है, स्टेटस क्या होता है, स्टेटस इज अ पोजिशन ऑक्यूपाइड बाई अ पर्सन इन अ सोसाइटी। आप लोग इन जनरल बात करते हैं यार उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, इसका स्टेटस खराब है, इसका मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं उस स्टेटस को, एक सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, आप पर्टिकुलर किस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को आप बेस मान के चल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सोसाइटी में इस पर्टिकुलर लेवल के लोगों के ऊपर के लोग जो है उनका स्टेटस अच्छा है और उनके नीचे के लोगों का स्टेटस अलग है। जैसे कि आप जैसे हम छत्तीसगढ़ पे रह रहे हैं, हमारा स्टेटस क्या है वो आपको समझ आएगा, कहाँ आप रह रहे हैं, आप रूरल है, अर्बन है, क्या क्लास है, किस, तो ये स्टेटस ऐसे ही डिवाइन होता है, ठीक है। तो स्टेटस इज अ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय अ पर्सन इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर ही आपका स्टेटस आपको डिफाइंड होगा ना। देखिए अब आपको समझना है इसमें कि स्टेटस बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, आप जैसे अपने आप को देखेंगे आप किस किस स्टेटस में हैं, जब आप घर के अंदर हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, इफ यू व्हेन यू आर विथ योर पेरेंट्स यू आर हैविंग अ स्टेटस ऑफ सन,
when you are out and you are, if you are working with an NGO for a good work, you are a social worker, you are having the status of social worker. If you are in a band of singing group, आप एक ड्रमिस्ट हो सकते हैं, आप कहीं ड्रमिस्ट हैं उसमें, तो यू आर हैविंग द स्टेटस ऑफ ड्रमिस्ट. इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ अ कार कंपनी, अ कार शोरूम, देन यू आर द हैविंग द स्टेटस ऑफ मैनेजर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. तो फ्रॉम दिस ऑल फैक्ट्स वी कैन से कि अ पर्सन कैन हैव सेवरल स्टेटस. एग्जाम्पल सन, गिटारिस्ट, एनीथिंग, है ना, कुछ भी आप लिख लीजिए एग्जाम्पल में. ऑल्सो स्टेटस, एक तो इस पर्टिकुलर टाइप से स्टेटस आप जानेंगे. अब दूसरा क्या होता है, हम जो जनरली देखते हैं कि यार वो इंजीनियर है उसका स्टेटस अच्छा है, ये एमए है इसका स्टेटस अच्छा है, ये बीए है इसका स्टेटस अच्छा है, ये लॉ किया है इसका स्टेटस अच्छा है, ये ट्वेल्थ पास है इसका स्टेटस थोड़ा कम है. समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं. एजुकेशन. सेकेंड इज द इनकम. इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली लोग इनकम के थ्रू स्टेटस देखते हैं कि यार उसके पास बहुत पैसा है उसका स्टेटस अच्छा है, अच्छी गाड़ी है उसके पास, पोजिशन, अच्छा बंगला है उसके पास. तो ये स्टेटस हम लोग स्टेटस को डिटरमाइन करता है. तो और हम लोग क्या बोल सकते हैं नटशेल कि स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय एजुकेशन, इनकम एंड पोजिशन. जो अमिताभ बच्चन ने डायलॉग मारा था ना, मेरे पास गाड़ी है बंगला है, वही वाला है पोजीशन. ठीक है, गाड़ी बंगला आपके पास है, मतलब ये डायलॉग इसीलिए इतना हिट है, स्टेटस बताने के लिए था ये डायलॉग उनका. ठीक है, सो लेट्स राइट. अकॉर्डिंग टू अ सोशियोलॉजिस्ट नेम बकमैन, ही सेज दैट कि स्टेटस इज वर्थ ऑफ अ पर्सन एज एस्टिमेटेड बाय अ ग्रुप और अ क्लास ऑफ पर्सन. ठीक है, तो मैंने यही सब चीजें बताई हैं आपको डिफाइन करके. लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेटस. अब एलिमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टेटस का. देखिए, कल्चरल सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, सबसे पहले आपको समझना है कि स्टेटस किस कॉन्टेक्स्ट में होता है. तो आप जिस पर्टिकुलर कल्चर में रहते हैं उसका सिचुएशन कैसा है, उसके हिसाब से वो स्टेटस आपका डेवलप होगा. अब मैं हूँ, आप हैं या हम हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट पीसीएस के लिए, या कोई भी यहाँ पे जो है पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका स्टेटस आप किसी फिल्म स्टार के बॉलीवुड के मुंबई से जाके आप कंपेयर नहीं कर सकते. ना वो कल्चर है ना वो सिचुएशन है. तो वही यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं. कल्चरल सिचुएशन ऑफ सोसाइटी only in relevance of the other member of society. Also we can say as a result of status society is divided into groups. अलग अलग स्टेटस, अलग अलग क्लास, अलग अलग कास्ट, अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग अपना अपना एक अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सोशल स्टेटस मिलता कैसे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल स्टेटस दो प्रकार से मिलता है. एक तो होता है जो बोलते हैं सिल्वर स्पून स्टेटस, जो है आपका एस्क्राइब्ड स्टेटस, एंड द सेकेंड वन इज अचीव्ड स्टेटस. एस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, आप किस एज के हैं, ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपको जो है वो चल रहा है स्क्राइब्ड. आप किस सेक्स के थे, हैं मतलब मेल है कि फीमेल है आप, ये आपको बाय बर्थ ये आपके पास इसका ऑप्शन नहीं होता, ये जो है सो है. आप किस रेस में पैदा होंगे, ये जो आपके पास इट इज एस्क्राइब्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग. ठीक है, आप किस क्लास में पैदा होंगे, आप रिच फैमिली में पैदा हो रहे हैं, पुअर फैमिली में पैदा हो रहे हैं, या हम्बल फैमिली में पैदा हो रहे हैं, क्या आपके स्टेटस है या क्लास है, ये आपके पास हाथ में स्टार्टिंग में नहीं होता, इट इज एस्क्राइब्ड. एंड द कास्ट, इट इज ऑल्सो एस्क्राइब्ड. द रिलीजन इज एस्क्राइब्ड. ठीक है, दिस ऑल थिंग्स आर एस्क्राइब्ड, ये आपको पहले से ही मिलते हैं. अब अचीव्ड क्या होता है, अचीव्ड आर द स्टेटस थ्रू द हेल्प ऑफ एजुकेशन, थ्रू द हेल्प ऑफ मेहनत करके, थ्रू द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क पीपल अचीव समथिंग अचीव्ड बाय देम.
और ये स्टेटस जो होता है, ये स्टेटस इज कॉल्ड एज अचीव्ड स्टेटस. ठीक है, सो वी हैव डेल्ट विद द टॉपिक ऑफ स्टेटस ऑल्सो. लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रोल. वॉट इज रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, रोल का रोल क्या है, अब ये देखते हैं हम लोग. सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ गिडन. गिडन अ वेरी डेकोरेटेड सोशियोलॉजिस्ट हैज गिवन द डेफिनेशन अबाउट रोल. गिडन सेज दैट सोशियोलॉजी सोशली रोल इज सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दैट अ पर्सन इन अ गिवन स्टेटस. ठीक है, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन, आपको समझना है यहीं पर, यही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन दैट अ पर्सन इन अ गिवन सोसाइटी फॉलोज, गिवन स्टेटस सोशल पोजिशन फॉलोज. इसका मतलब क्या है, देखिए एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, इसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा. हर एक आदमी का कुछ ना कुछ स्टेटस होता है. इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, हर एक आदमी जो है उसका कुछ ना कुछ रोल होता है. जैसे कि आप एग्जाम्पल लेंगे, आपके किसी पर्टिकुलर रेड लाइट के पास हैं आप. ठीक है, अब रेड लाइट के पास ट्रैफिक पुलिस, बहुत ज़बरदस्त जाम लग गया रेड लाइट होने के बावजूद, तो आप वहाँ जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को देखेंगे तो आपके दिमाग पे फर्स्ट थॉट क्या क्लिक करेगा, द ट्रैफिक पुलिस विल कम हियर एंड ही विल गेट क्लियर द ट्रैफिक. क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज है, क्योंकि रोल क्या डिफाइंड है ट्रैफिक पुलिस का, ट्रैफिक को मेंटेन करना. तो यही आपको समझ आएगा, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन दैट अ पर्सन इन अ गिवन स्टेटस फॉलो. एक तो पहले तो ट्रैफिक पुलिस का रोल जो है वो सोशली डिफाइंड है. ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है, सोशली डिफाइंड है, सालों से ये समझा जा चुका है, जाना जा चुका है. अब वहां पे मैंने क्या बोला, जैसे ही आप ट्रैफिक पुलिस को देखेंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा उस ट्रैफिक पुलिस से, एक्सपेक्टेशन दैट पर्सन इन अ गिवन स्टेटस, जो वो पर्टिकुलर पर्सन का उस पर्टिकुलर जगह पे स्टेटस. मैंने बताया था आपको स्टेटस का मतलब, स्टेटस अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, सन का स्टेटस, डॉटर का स्टेटस, ऑफिसर का स्टेटस, वैसे इसका स्टेटस अभी ट्रैफिक पुलिस का है. सो क्या, सोशली डिफाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यू दैट अ पर्सन इन अ गिवन स्टेटस ऑफ ट्रैफिक पुलिस follows what you are have expecting and that time you are expecting कि he should get cleared the traffic. समझे आप इसको clear? तो यही ये आप कहीं समझ पाए होंगे जो मैंने समझाया है अभी, तो आपको पूरा का पूरा रोल का कंसेप्ट समझ आ गया होगा यहाँ पे. ठीक है, सो लेट्स राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल क्या है, बहुत ईजी आपको वे में बताऊंगा. रोल इज द एक्शन एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. मैंने अभी बताया ना, स्टेटस ट्रैफिक पुलिस है भाई का, अब उनका जो एक्शन क्या था, ट्रैफिक को हटाना, तो वही उनका रोल है ना, ट्रैफिक को मेंटेन करना. तो बस यही चीज को मैं बता रहा हूं आपको, रोल इज द एक्शन एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस. ठीक है, ये इसका और क्या है, इसको इजी में बोल सकता हूं मैं, रोल एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ सोसाइटी. ठीक है, यही मैंने समझाया ना आपको ऊपर डेफिनेशन से. सेकेंड, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोल इज कि इट इज चेंजिंग इन नेचर. अब आप बोलेंगे तो बहुत ही अलग चीज बोल रहे हैं आप. जी हाँ, कैसे, कि रोल जो है आप कैसे डिफाइन होता है, आइडियल्स से, ठीक है, नेचर पैटर्न से और वैल्यूज से. ठीक है, अगर ये आइडियल आपका चेंज हो गया, पैटर्न आपका चेंज हो गया और वैल्यू आपकी चेंज हो गई, तो आपका रोल भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में, जो बोलते हैं ना कि जैसे मैं इन जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूँ यूटोपियनली, कि कई कई बोलते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग बहुत ही बुरा काम करने लगते हैं. क्यों, इस एक अच्छे आदमी से जो जीवन भर अच्छा रहा है, वेल रेड, वेल स्टडीड, वेल थॉटफुल पर्सन, आपको ये समझ आएगा कि उसका आइडियाज, तो ही इज हैविंग वेरी गुड आइडियाज, ही इज वेरी हैविंग गुड पैटर्न ऑफ सोसाइटी एंड ही इज हैविंग गुड वैल्यूज इन हिमसेल्फ. तो आपको उस पर्टिकुलर चीज से लगेगा, इसका रोल तो इन सोसाइटी इज ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग, बट एज द आइडियल्स ऑफ हिज चेंजेस, द पैटर्न चेंजेस एंड द वैल्यूज ऑफ हिज चेंजेस, ये तीनों चीज जैसे ही चेंज होंगे तो उसका रोल चेंज हो जाएगा. तो हो सकता है कि वो क्रूएल हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम में. यही चीज है, ठीक है, रोल इज चेंजिंग इन नेचर एज द आइडियल्स पैटर्न एंड वैल्यूज चेंजेस. ठीक है, रोल हैज लिमिटेड फील्ड ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड. अब ये कैसे है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि रोल जो है, स्टेटस जो है,
आपका जो उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन है वो रोल है आपका, ठीक है, रोल एज पर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। जैसे आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जो क्लास कर रहे हैं कर रही हैं, एनीवन यू आफ्टर क्लियरिंग द सीजीपीएसई बिकम्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एसडीएम, ठीक है, एसडीएम आप बन गए हैं, डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं आप। अब डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में आप हैं तो क्या आप 24 घंटा डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में हैं? जी आप हैं 24 घंटा, बट आप जिस टाइम पे 10 to 5 की जॉब पे हैं, अब जब ऑफिस के अंदर हैं या ऑफिस के काम से बाहर हैं, भले ही आप 5 के भी रात में बाहर हो, तब आप डिप्टी कलेक्टर हैं। जैसे ही आप घर आएंगे तो आप डिप्टी कलेक्टर के रोल पे नहीं रहेंगे, दैट टाइम यू विल हैव द रोल ऑफ सन, दैट टाइम यू विल हैव द रोल ऑफ वाइफ और हस्बैंड, दैट टाइम यू विल हैव द रोल ऑफ स्पाउस, दैट टाइम यू विल हैव द रोल ऑफ मदर एंड फादर। तो यही बोल रहा हूँ मैं, लिमिटेड फील्ड ऑफ ऑपरेशंस। सो लेट्स टेक, अब स्टेटस और रोल जो दोनों मैंने चीज़ें बताई हैं, अब आपको उसमें मैं एक कोरोलरी मैं बना के दिखाता हूँ दोनों कैसे सिमिलर हैं, ठीक है। तो यू कैन ऑक्यूपाई अ स्टेटस बट यू प्ले अ रोल। आप स्टेटस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ के आप या फैमिली के थ्रू, बट आपका रोल जो है आप प्ले करते हैं, ठीक है, समझ गए आप? जैसे मैं बता रहा हूँ, रोल इज फंक्शन ऑफ स्टेटस, रोल इज फंक्शन ऑफ स्टेटस। आपका जो स्टेटस होता है उसी के हिसाब से आप वो रोल करते हैं, ठीक है। स्टेटस आर ऑक्यूपाइड एंड रोल आर प्लेड, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। रोल आप ये भी बोल सकते हैं कि रोल चेंजेस विथ ईच न्यू इनकमेंट इन अ सोसाइटी, द स्टेटस चेंजेस एज द नॉर्म्स अटैच्ड टू इट आर अल्टर्ड। मतलब जो रोल है आपका वो जैसे ही कुछ नया स्टेटस आपका चेंज होगा वो अपने आप चेंज हो जाएगा, बट जो आपका स्टेटस है वो तभी चेंज होगा जब नॉर्म सोसाइटी के चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोल कंप्लीट कर लिया है, अब लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कल्चर। अब कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, कल्चर क्या है आपको मैं बता रहा हूँ। जो कुछ हैबिट्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग और मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एक्वायर करता है उसको हम बोलते हैं कल्चर, ठीक है। तो जैसे कि क्या क्या हैबिट्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं, आर्ट, लॉ, नॉलेज, कस्टम, बिलीफ, मोरल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके हैबिट्स हैं, ठीक है। दीज ऑल हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज मेंबर ऑफ सोसाइटी इस कल्चर। आगे अभी आपको समझ आएगा जब मैं बताऊंगा। एंड अंडर आप जैसे मैं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें बता रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर इज बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोशल लाइफ, द लर्न्ड वे। मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि पूरा आपको जब भी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे आपको पूरा समझ आ जाएगा अपने आप। द लर्न्ड वे ऑफ लाइफ विच आर मॉडिफाइड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज वॉट सोशियोलॉजिस्ट कॉल एज कल्चर। अब इसका मतलब क्या है, कल्चर इज द एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, कल्चर का अंडरस्टैंडिंग क्या है, इज बेसिक टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। मैंने ये ऊपर बताया आपको ह्यूमन सोशल लाइफ क्या होता है, जो हैबिट्स होते हैं, लॉ, नॉलेज, कस्टम, बिलीफ, मोरल्स। तो यही यहाँ बोल रहा है, कल्चर की अंडरस्टैंडिंग वही है जो आपको ह्यूमन की सोशल लाइफ की अंडरस्टैंडिंग है। द लर्न्ड वे ऑफ लाइफ विच आर मॉडिफाइड एंड पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन।
एक आप बोलते हैं ना इनका कल्चर ऐसा है, इसका कल्चर ऐसा है, इनका कल्चर ऐसा है, दुर्ग वालों का कल्चर ऐसा है, रायपुर वालों का कल्चर अलग है, रायगढ़ वालों का कल्चर अलग है, बस्तर का कल्चर अलग है, इसका मतलब क्या है? कल्चर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? साउथ इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडिया का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चर अलग है, पंजाबियों का कल्चर अलग है, आप हमेशा सुने होंगे इस वर्ड को। इसका मतलब क्या है कि एवरीवन जो चीजें हमको जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस सोसाइटी में रहने पे, ठीक है, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज व्हाट सोशियोलॉजिस्ट कॉल एज कल्चर। जो आपको जनरेशन जनरेशन आपके ऊपर पास होती गई है, जो सारी चीजें हैं, जो हैबिट्स आपके सोसाइटी में, जो नॉर्म्स हैं, वो सारे नॉर्म्स जो आपके कल्चर में आ चुके हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कल्चर एज डिफाइंड बाय सोशियोलॉजिस्ट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, देखते हैं कैरेक्टर, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। स्टिक ऑफ कल्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर इज लर्नड। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं आपको, कल्चर इज लर्नड, इट मीन्स दैट इट इज एक्वायर्ड बाय एवरीवन थ्रू, आप जैसे आप जब वूम में रहते हैं, वहां से पैदा होने के बाद से अपने मरते तक आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी टाइम पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। तो कल्चर इज लर्नड, इट मीन्स दैट एक्वायर्ड बाय एवरीवन throughout his own life experience, किससे आप करते हैं? लाइफ के एक्सपीरियंस से आप लर्न करते जाते हैं, ठीक है। सेकेंड यू कैन से कल्चर इज सोशल, इसका मतलब कि जैसे आप हिंदू हैं तो हिंदू कल्चर आपका जो है वो सबके सब आपकी सोसाइटी जो है उसमें सब वो पूरी पर्टिकुलर सोसाइटी में सबके सब उसको फॉलो करते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो उस कल्चर को सारे के सारे आपके स्कूल के लोग फॉलो करते हैं, तो इसी को क्या बोला जा सकता है? कल्चर इज सोशल, सोशल इट मीन्स दैट शेयर्ड बाई ऑल ह्यूमन बींग लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक है। थर्ड वन इज कल्चर इज ट्रांसमिटेड, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ जनरेशन टू जनरेशन आपके कल्चर, आपके घर बोलते हैं ना हमारे घर का कल्चर कुछ और है, फिर राजस्थानी लोग बोलेंगे हमारे घर का कल्चर कुछ और है। क्यों भाई, उसके घर का कल्चर क्यों अलग है? कहीं वो भी हिंदू है, आप भी हिंदू हैं, या आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, वो भी एक उसी कम्युनिटी का, फिर भी वो बोलेगा कि हमारे घर ये त्यौहार ऐसा मनाया जाता है, इस फेस्टिवल को ऐसा मनाया जाता है, हमारा कल्चर ये अलग है। तो यही इसका मतलब है, कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और आपके अर्लियर जनरेशन में जैसा कल्चर था वही आपकी जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, तो आप किसी और का कल्चर नहीं ले पाएंगे, जो क्लोज सोसाइटी है आपकी उसी का कल्चर आप ले पाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ वन इज कल्चर इज कंटिन्यूअस, इसी के बाद अब मैंने वही बताया ना वन जनरेशन टू अनदर, तो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, इज कंटिन्यूअस। ऑल्सो अब मैंने आपको पहले बताया कि देखिए आपका घर ही, आपके घर और दूसरे के घर में इतना डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कल्चर वेराइज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। गाइज डू कमेंट, आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आई विल ट्राई टू डील विथ ऑल द, जो भी आपको इशू आ रहे हैं उन सबसे मैं डील करना चाहूंगा। और आप लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब, जो भी देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट यू कैन गेट द नोट्स, और जो अच्छे क्लासेस छत्तीसगढ़ PCS के लिए हैं सारे आपके पास पहुँचे। फर्दर द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज सोशलाइजेशन, द रोल ऑफ सोशलाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग वॉट द कल्चरल ट्रेट एंड वैल्यूज, कल्चरल ट्रेट्स एंड वैल्यूज, और यू कैन से रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेशन ऑफ सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या है? सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, किसका है? लर्न करने का। क्या? कल्चरल ट्रेट, कल्चरल ट्रेट आपके घर में क्या चल रहा है, आपको बाहर में कैसे बात करना है, आपको कहाँ कैसे बैठना है, कहाँ उठना है, वैल्यूज आपके वैल्यूज क्या क्या है, और रूल्स एंड रेगुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू एवरीथिंग। तो आपको कल्चर कहाँ कहाँ से मिलता है, सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आपके पेरेंट्स, जब आपके पेरेंट्स आप बच्चे होते हैं तो प्राइमरी सोशलाइजेशन यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, आफ्टर दैट यू गेट द सोशलाइजेशन फ्रॉम योर स्कूल, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, द क्लोज फ्रेंड्स, द फ्रेंड्स, द पीयर ग्रुप यू कैन से, ये सारे चीज़ों से आप लोग सोशलाइजेशन के एक प्रोसेस है, जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप इन पर्टिकुलर अलग अलग जगहों से सोशलाइजेशन पाते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑकबॉर्न आप लिख सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू ऑकबॉर्न सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाई विच द इंडिविजुअल लर्न टू कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। इनके हिसाब से क्या है, सोशलाइजेशन
इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल लर्न्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा यहां पे. अब क्या चीजें हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक क्या हम देखते हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है सोशलाइजेशन का. देखिए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग मैंने पहले ही बताया आपको, प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग. आप पूरे लाइफ टाइम आप सीखते रहते हैं चीज़ें लोगों से, अलग अलग जगहों पे, अपने पीयर ग्रुप से, अपने स्कूल से, अपने एजुकेशनल जगह से, अपने कॉरपोरेट जगह से, हर जगह से. इट इज़ कल्चरल एसिमिलेशन. जहाँ पे आप रहेंगे, जिस कल्चर में आप रहेंगे, उसी का एसिमिलेशन ही तो आपका सोशलाइजेशन होगा. जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको कैसे चीज़ें पूजा करनी है, कैसे आपको मंत्र पढ़ने हैं, या क्या वहाँ पे प्रोसेस है, या आप मस्जिद जा रहे हैं, मज़ार जा रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रोसेस है, ये आपको कहाँ से मालूम पड़ता है. ये आपको वही है सोशलाइजेशन, कल्चरल ट्रेड, बाय फैमिली, बाय इमाम, बाय पंडित जी. तो ये सब चीज़ें आपको वहीं मालूम पड़ती हैं. तो यही सोशलाइजेशन, दिस इज़ वॉट सोशलाइजेशन टेंड्स टू. यू गेट द कल्चरल ट्रेड एंड वैल्यूज, द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी. थ्रू दिस ऑल प्रोसेस ऑफ लर्निंग यू गेट द सोशलाइजेशन वॉट यू वॉन्ट्स. ठीक है, फर्दर आखिरी यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. अब ये सब चीज़ों से आपका क्या होगा, जब चीज़ें आप सही तरीके से कैरी करना समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर जगह पे कैसे बात करनी है, पर्टिकुलर जगह पे क्या आपको करना है, तो इन जगहों पे आप डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, एट द एंड द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टेंड टू द डेवलपमेंट ऑफ यूर सेल्फ. ठीक है, ऑल्सो द लास्ट टॉपिक, लास्ट थिंग यू कैन राइट, द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन. एजेंसीज, आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ द क्लास कि फैमिली इज द एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. इट इज़ अ प्राइमरी एजेंसी. प्राइमरी एजेंसी मतलब सबसे पहला सोशलाइजेशन का कुछ पार्ट होता है. बोलते हैं ना, घर में आपको बचपन में बहुत सारी चीज़ें घर वाले सिखा देते हैं. अगर आपके घर में ही सोशलाइजेशन बहुत अच्छा है तो आप समझ सकते हैं कि उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, स्टूडेंट का, उस आदमी का. ठीक है, सेकेंड इज स्कूल, नेक्स्ट इज फ्रेंड. फ्रॉम फ्रेंड्स यू गेट द सोशलाइजेशन टाइप कोऑपरेटिव मोरालिटी आप यहाँ से सीखते हैं. ठीक है, कोऑपरेटिव मोरालिटी. ठीक है, उसके बाद यू गेट रिलीजन, उसके बाद यू गेट मैरिज, मैरिज स्टेटस एंड रोल. ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेटस एंड रोल दोनों चेंज होता है. तो ये सारे चीज़ें हैं आपके प्राइमरी एजुकेशन, क्या है, ये एजेंसीज ऑफ